सो व्हाट्स अप गाइस, आज की ये वीडियो गाइस आपकी लास्ट वीडियो होगी जो कि आप देख रहे होंगे सेंसिटिविटी सेटिंग से रिलेटेड, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड योर ओन सेंसिटिविटी सेटिंग्स, मतलब यार अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस। ओके, अपने डिवाइस के हिसाब से आप कैसे सेंसिटिविटी सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बड़ी इजीली खेल सकते हैं। यार ऐसे गाइस बहुत सारी पबजी में आपको ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें से 5-10 तो मेरे ही होंगे यार, क्योंकि यार देखो लोग बताते हैं यार कि ऐसी कॉपी कर लो, इस सेटिंग्स में खेलो, मैं खेलता हूँ तुम भी खेलोगे, लेकिन गाइस आप उनके जैसे नहीं खेल पाओगे। मान लो गाइस मैं आईपैड प्लेयर हूँ, मैं अगर अपनी सेटिंग्स बताऊंगा तो आपके फोन में तो काम करेंगे लेकिन आप उतना अच्छा नहीं खेल पाओगे जितना मैं अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि मेरा डिवाइस अलग है, आपका डिवाइस अलग है। तो गाइस करना क्या है आपको, अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आपको सेंसिटिविटी सेटिंग्स मतलब बनानी होगी। और गाइस पबजी में अगर आपकी सेटिंग्स ही खराब है तो आपका गेम प्ले कैसे अच्छा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल सी चीज गाइस आज की यही है कि आपको बताऊंगा यार मैं कि कैसे आप अपनी सेटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, और गाइस ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और गाइस आज की हमारी इस वीडियो का फर्स्ट कूपन कोड है, क्या है स्क्रीन में देखोगे, स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आपको नहीं पता कूपन कोड क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी हाउ टू यूज रिडीम कोड वाली, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लो, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले तो गाइस आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना अपना फोन निकालना है और TDM मतलब ट्रेनिंग मोड में जाना है, और आपको अपने हिसाब की सेटिंग्स क्रिएट करनी है गाइस। जैसे कि दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कैसी सेटिंग्स क्रिएट करता हूं, तो चलो फिर क्या है, ठीक है। सो गाइस हम आ गए सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे, और गाइस सबसे पहले तो गाइस मैं ज़ायरो यूज नहीं करता हूँ, तो ज़ायरो की तो आपको बिल्कुल भी कतई नहीं बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको मैं बताऊंगा यार ADS की, ADS आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ADS गाइस जब आप फायर करते हो थर्ड पर्सन नो स्कोप, ये गाइस होता क्या है, गाइस ये सेटिंग्स गाइस होती है क्रॉसियर की सेटिंग। क्रॉसियर गाइस जब आप बिना स्कोप ओपन करे ही फायर करते हो क्रॉसियर की हेल्प से, तो गाइस वो हो जाती है ये वाली नो स्कोप वाली सेटिंग्स गाइस। तो आप देख सकते हो क्रॉसियर, ठीक है, मैंने वन कर दिया गाइस, अब देखना गाइस मेरा क्रॉसियर ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपके एम मिस हो गए। क्लोज रेंज में गाइस क्रॉसियर बहुत ही हेल्प करता है। मान लो ये देखो मैंने वन कर दिया है ADS की क्रॉसियर की, तो ये देखो ठीक है ऊपर की ओर भाग रहा है। तो गाइस सिंपल सी चीज है, आपको अगर क्रोसियर की सेटिंग करना है सही, गाइस क्रोसियर ना बहुत ही हेल्प करता है आपका मतलब कहां पे क्लोज रेंज में। तो गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे आना है, ADS पे आना है, और जो वन थी हमारी इसको कर देते हैं 220 अराउंड गाइस, मैं इसके हमारे हिसाब से रखता हूं, मैं अपने हिसाब से। तो अब देखो गाइस मेरा एम परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एम है, ठीक है। तो गाइस आपको अपने फोन के हिसाब से देखना है, मेरा 220 में करा है, हो सकता है आपका 180 में करे, हो सकता है 150 में करे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, देन चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से गाइस परफेक्ट है मेरे लिए 220, तो गाइस यहां पर मैंने 220 कर लिया। तो गाइस चलते हैं फिर से सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे, ADS सेंसिटिविटी, देन गाइस अब आप बात करती है रेड डॉट की। तो गाइस सबसे पहले तो AMS को गाइस इनेबल कर लेना ऊपर से, नहीं तो भैया आपको तो बड़ी दिक्कत जाने वाली है। तो और कर लिया गाइस, अब चलते हैं गाइस ADS में, और गाइस अब रेड डॉट होलोग्राफिक्स AMS, तो गाइस अपन ने इसको कर दिया गाइस बंद। अब देखो यार इसका सीन क्या है, देखो हाँ मैं समझाता हूं आपको। तो गाइस देख रहा हूँ एम ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे ही दोस्तों हमने ADS का वन करा तो गाइस अपना एम एक जगह स्टक ही नहीं हो रहा है, तो गाइस वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपको एक ऐसा अमाउंट चूज करना है जिससे कि आपका एम ना बिल्कुल एक जगह रुका रहे, बिल्कुल जीरो रिकॉइल के साथ। तो यहां से अपन इसको फुल कर देते हो। अब देखो M4 ने कितनी ज्यादा मूव कर रही है यार, हद से ज्यादा मूव कर रही है, ऐसे में तो आप बिल्कुल भी एम नहीं ले पाओगे यार। तो आपको करना क्या है, सेंसिटिविटी में एक ऐसा अमाउंट चूज करना है, जैसे कि दोस्तों यहां पर अपन ने कर लेते हैं 34 या फिर 30 या फिर 25, ठीक है। अब देखो गाइस अपना रिकॉइल जीरो रिकॉइल, ठीक है। हो सकता है आप बोल रहे हो यार थोड़ा पास में खड़ा है, थोड़ा दूर चला जा, ले भाई अपन दूर आ गए यार। अब देखो यहां से ठीक है बिल्कुल स्टेबल है, आप चाहो तो पीक करके और भी खतरनाक रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो यार, सिंपल सी चीज है, पीक एंड फायर में बहुत ही बढ़िया रिकॉइल कंट्रोल होता है। तो यार यहां पर आ गए, अब देखो यार ये चीज तो हो गई अपनी, ठीक है। अब रेड डॉट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रेड डॉट का अपन ने कर लिया, वैसे ही सिंपल सी चीज है 3x की, 3x में अपन ने 17 करके रखा है, दिखा देते हैं गाइस यहां पर अपन इसको वन कर देते हैं 3x की, ADS की 3x की, और गाइस बहुत सारे लोग 6x की करते हैं और फिर 3x में कन्वर्ट करके उसकी सेटिंग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अपन ने 3x की कर दी गाइस फुल यहां पर। अब देखो कितना ज्यादा स्कोप अपना नाच रहा है, सो मतलब हद है। तो यार यही सिंपल सी चीज होती है यार, आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल सेटिंग्स का कौन सा समझ आ गया, तो अपने हिसाब से सेटिंग्स क्रिएट करो गाइस। अब देखो 3x की अपन ने फुल कर दी थी, अब बंद कर दी, तो यार देखो अपना स्कोप ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है।
एम बिल्कुल एक ही जगह नहीं रुकेगा यार, सिंपल सी चीज है। आप चलते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे और एडीएस पे, देन यहां से अपन इसको कर देते हैं 18, हाँ 18 या 17 अराउंड कर देते हैं, 18 परफेक्ट है। अब गाइस 3x का रिकॉल देख लो यार, थोड़ा दूर चलते हैं, नहीं तो आप बोलोगे क्लोज रेंज से तो कोई भी कर लेगा यार। तो यार देखो यहां से परफेक्ट है ना, तो यही सिंपल सी चीज है गाइस। आपको एक ऐसा अमाउंट चूज करना है 30-40 अपने फोन के डिवाइस के हिसाब से कि गाइस आपका रिकॉइल एक जगह हैंडल हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है गाइस, आप पीक करके, क्राउच करके, प्रोन करके शूट करो भैया, आपका रिकॉइल जीरो कंट्रोल होगा, गारंटी मेरी, ठीक है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, M4 में आप कौन सा स्कोप लगाना प्रेफर करोगे, M4 विद 4x, M4 विद 6x, M4 3x या फिर M4 विद रेड डॉट। नीचे कॉमेंट करो, मैं आपकी कॉमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंसिटिविटी में आ गई गाइस, आपको एडीएस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जब गाइस आप स्कोप ओपन करते हो और फायरिंग करते हो तब गाइस आपका एडीएस काम करता है, और इसी तरीके से गाइस आप सारी सेटिंग्स स्कोप का यूज कर सकते हो यहां से। अब गाइस अपना मेन पॉइंट आता है कैमरा। कैमरा गाइस होता क्या है, आपकी मूवमेंट गाइस लेफ्ट राइट अप डाउन गाइस, ये होती है गाइस आपका कैमरा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों स्कोप ओपन कर रहे हो, स्कोप को इधर उधर कर रहे हो तो वो कैमरा, आप जब मूवमेंट कर रहे हो तो राइट लेफ्ट अपना मूवमेंट कर रहे हो तो वो कैमरा। तो सिंपल सी बात चीज है। सेंसिटिविटी में आते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप का, ये क्या चीज है गाइस, ये आपका स्टक। जैसे दोस्तों मैं आगे जा रहा हूं लेकिन लेफ्ट राइट नहीं कर पा रहा हूं, तो गाइस ये हो जाता है थर्ड पर्सन अपना। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मैं एकदम से लॉक हो गया हूं यहां पे। तो गाइस सेंसिटिविटी पे आते हैं और इस कैमरा को कर देते हैं अराउंड 300। तो अब देखो अपनी मूवमेंट यार। सो गाइस इस सेटिंग से ना आपका रिफ्लेक्स टाइम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। मैं तो हाई में खेलता हूं, लेकिन गाइस आपको क्लोज रेंज में दिक्कत हो सकती है। अगर आप एंड्रॉइड फोन में यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम रखना अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, आपको जो सही लगे, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, अपन इसको रख लेते हैं अराउंड 240 रख लेते हैं, आप चाहे तो उसको 130, 150, 180 रख सकते हैं, सिंपल सी चीज है यार। तो ये आपका काम करेगा, ठीक है। आप चलते गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे अगेन, देन आपको रेड डॉट की कर दिया गाइस मैंने बंद। आप देखो गाइस स्कोप ओपन कर रहे हो ना तो मेरा रेड डॉट अटक गया है, ये कैमरा की सेटिंग है गाइस। जैसे दोस्तों फायरिंग करते मतलब फायरिंग करते हो तो एडीएस, फायरिंग नहीं करते हो स्कोप ओपन करते हो तो कैमरा। तो ये गाइस हो गई अपना रेड डॉट अटक गया। अब गाइस इसको रेड डॉट देख रहा हूं बिल्कुल स्टक हो गया, मैं राइट लेफ्ट मूव नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस कैमरा की सेटिंग अकॉर्डिंग टू मैं यहां पर अपन रेड डॉट की बढ़ा देते हैं और अराउंड अपन इसको रख देते हैं, देख लो यार 30 अराउंड या फिर 28 रख देते हैं। तो गाइस कैमरा काम करता है एक मूव से, एक एम से दूसरे एम में स्विच करने के लिए। तो गाइस आप देख सकते इस तरीके से आपका कैमरा काम करता है। जैसे कि दोस्तों एक एम है, सामने चार बंदे हैं, तो आपने एक को मारा, दूसरे में एम स्विच करा, तीसरे में एम स्विच करा, तो उस कंडीशन में गाइस आपका कैमरा काम आता है। तो यार ये कैमरा है, अपन ने देखो यार 28 करी है, तो ये परफेक्ट है मेरे लिए, तो मैं इसको यूज करने वाला हूं। तो गाइस ये कर लिया अपन ने। अब गाइस यहां से बग्घी लेते हैं और भैया अपनी एमओ खत्म हो गई तो एमओ ले आया यहां पे अपन। अब देखो यार सेंसिटिविटी कोई हुआ नहीं है, जितना हुआ बना के रखा है, सेंसिटिविटी सेटिंग बता दो, ये बता दो, कुछ नहीं है, हुआ नहीं है। अब 3x की देख लो यार, सिंपल सी बात है, 3x की बंद कर दी मैंने, अटक गया। 3x की ज्यादा कर दोगे नाचने लगेगा, लेकिन अपन उसको कर देते हैं 22। अब देखो तो कितना अच्छा रिकॉइल है यार, कुछ खास नहीं है सेंसिटिविटी में यार, बहुत हवा बना के रखा है, ये सेटिंग वो सेटिंग, कुछ सेटिंग नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझो, अपने फोन के डिवाइस के हिसाब से सेटिंग को क्रिएट कर लो यार, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यार कि कैसा क्या सेटिंग्स काम करती है। और गाइस ये जो ऊपर की सेटिंग्स है भैया, ये मतलब कैमरा सेटिंग, कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक वाली, एक होती है गाइस आई बटन की थर्ड पर्सन कैमरा वाली, जो आई बटन को आप मूव करते हो पीछे, एक होती है कैमरा जो पैराशूट से आप लैंड करते हो, और एक होती है फर्स्ट वर्जन। ये ऑलरेडी आपको पता होगी यार, ये चीजें बताने वाली चीज नहीं है, ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए ये सब। आई नो गाइस आप में को ये सेटिंग समझ में आई होंगी, अगर आई है तो नीचे कमेंट करके बताओ अपनी फेवरेट गन कॉम्बिनेशन, आपको नीचे कमेंट करके बताना है गाइस। गाइस सेकंड कूपन कोड आपको स्क्रीन में शो हो रहा होता, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक लेट टेक केयर, बाय बाय।